हेलो फ्रेंड, आपका अकाउंट अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तब बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से कैसे अदर बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से IMPS, नेफ्ट, RTGS कैसे किया जाता है नेट बैंकिंग के थ्रू, इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं मरमा टेच। आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बड़ौदा के अकाउंट से अदर बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है उसे इंटरनेट बैंकिंग पेज ओपन कर लीजिएगा। चलिए, हम ओपन कर लिए हैं। अब ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर ट्रांसफ़र का आइकन दिख रहा होगा। ट्रांसफ़र आइकन दिखने के बाद इसके नीचे इनविट पेमेंट, इसके साइड में आउटसाइड बैंक ट्रांसफ़र, हमें इसी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी बेनिफिशियरी ऐड किए होंगे सारा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको बेनिफिशियरी नहीं ऐड करने आ रहा या ऐड करने के जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो आसानी से देखने के बाद बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। चलिए, हम जो बेनिफिशियरी ऐड किए हैं ये वाला, इस पर हम पैसा ट्रांसफ़र करके आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देखिए, तीन पैरेलल लाइन है, थ्री पैरेलल लाइन, मोर एक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हमें इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेक ए ट्रांजेक्शन, यहाँ पर मेक ए ट्रांजेक्शन पे हमें क्लिक करना है। मेक ए ट्रांजेक्शन पे जिस भी बेनिफिशरी पे आप क्लिक कीजिएगा उसके साइड में मेक ए ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा, सीधे उसी पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको नेटवर्क, नेटवर्क में तीन ऑप्शन दिया गया है कि IMPS भी कर सकते हैं, नेफ्ट भी कर सकते हैं, RTGS भी कर सकते हैं। जो अगर IFSC कोड है, अगर वो IFSC कोड सपोर्ट करता है नेफ्ट और RTGS, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ से नेफ्ट भी कर सकते हैं, RTGS भी कर सकते हैं। लेकिन IMPS कीजिएगा तो उसी टाइम आप उनके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अगर नेफ्ट कीजिएगा तो यहाँ से नेफ्ट करने के बाद यहाँ से उनका टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कि उनके अकाउंट में कब पैसा जाएगा यहाँ से नेफ्ट कीजिएगा तो। RTGS कीजिएगा तो ठीक उसी प्रोसेस से आप यहाँ से टाइम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब चलिए, हम IMPS करके बताते हैं आपको, ठीक उसी तरीके से नेफ्ट RTGS कीजिएगा, हम आपको बता दिए हैं। यहाँ से आपका ये अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है आपका, आज जिसको यहाँ पर पैसा पे कर रहे हैं उनका यहाँ पर ये अकाउंट शो कर रहा है। यहाँ से अकाउंट उनका पूरा देख लीजिए, देखने के बाद उनको कितना रुपये आप सेंड करना चाहते हैं। चलिए, हम डेमो के लिए बताते हैं। रिमार्क में आपको कुछ भी ऐसा चीज़ लिखना है ताकि आपको याद रहे कि हम उस व्यक्ति को हम पैसा दिए थे। चलिए, हम इसको लिख दें। इसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड नज़र आ चुका है। आप सारा चीज़ मिला लीजिए, अब इनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। मिलाने के बाद यहाँ से आप लोग को ट्रांजेक्शन पासवर्ड को इंटर करना होगा। चलिए, हम अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोग सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन विथ रेफरेंस आईडी इज सक्सेसफुल बोला जा रहा है, कि जो आप पेमेंट ट्रांसफ़र किए थे वो पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पर देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रांसफ़र बताया जा रहा है। प्रीव्यू और समरी दोनों देख लिए, पेमेंट यहाँ पर डिटेल भी बताया जा रहा है। अब इसके बाद आप यहाँ से चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। PDF रूप में भी आप ये यहाँ से डाउनलोड करके उनके पास शेयर भी कर सकते हैं या अपने पास भी रख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा अकाउंट से बैलेंस कटा हुआ है कि नहीं। तो चलिए, ये रेफरेंस आईडी हो गया। अब हमें अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए अकाउंट में आना होगा। ऑपरेटिंग अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद यहाँ पर साइड में आप लोगों को जैसा कि मेरा बैलेंस बताया जा रहा है, यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट हमें चेक करना है। व्यू मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर आइएगा, इस थ्री पे डॉट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर व्यू मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट आसानी से चेक कर लीजिएगा यहीं से। देखिए, अकाउंट है मेरा, यहाँ से मिनी स्टेटमेंट बताया जा रहा है। हम बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में बेनिफिशियरी ऐड करना सीख लिए थे, अब इसके बाद हमें पेमेंट करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करना सीख ही चुके होंगे। वीडियो को भी लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।